हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खनियारा धर्मशाला की एबीवीपी इकाई ने मांगों को लेकर जूते पॉलिश कर विरोध जताया। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थायी इकाई के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया था। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन है वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र कई सालों से राजनीति का केंद्र बना है। वर्ष 1992 में क्षेत्रीय केंद्र जिला कांगड़ा के लिए एक सौगात के रूप में सरकार ने दिया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा क्षेत्रीय केंद्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ती आ रही है, चाहे बात उस समय की हो जब क्षेत्रीय केंद्र के पास खुद का परिसर नहीं था। उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने स्थायी परिसर के निर्माण के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के पास खुद का परिसर तो है, लेकिन उस परिसर में मूलभूत सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इसके चलते एबीवीपी ने जूते साफ कर विरोध जताया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खनियारा धर्मशाला की एबीवीपी इकाई ने मांगों को लेकर जूते पॉलिश कर विरोध जताया। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थायी इकाई के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया था। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन है वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र कई सालों से राजनीति का केंद्र बना है। वर्ष 1992 में क्षेत्रीय केंद्र जिला कांगड़ा के लिए एक सौगात के रूप में सरकार ने दिया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा क्षेत्रीय केंद्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ती आ रही है, चाहे बात उस समय की हो जब क्षेत्रीय केंद्र के पास खुद का परिसर नहीं था। उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने स्थायी परिसर के निर्माण के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के पास खुद का परिसर तो है, लेकिन उस परिसर में मूलभूत सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इसके चलते एबीवीपी ने जूते साफ कर विरोध जताया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।